नमस्कार दर्शकों, मैं मदन तिवारी रेड न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। लगातार नवीनतम पेशकशों के इस दौर में हमने लगातार प्रयास किए हैं कि नरसिंहपुर जिले की नामचीन जो हस्तियां हैं उनसे हम आपको रूबरू कराते रहे। इसी तारतम्य में आज वन टू वन खास मुलाकात के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच है कांग्रेस नेत्री श्रीमती अंबिका पाठक। इनका मैं परिचय देना आपका चाहूँगा कि नरसिंहपुर जिले की बिटिया हैं और इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि नरसिंहपुर जिले से ही है। प्रताप नगर में आपका मकान है और लगातार कांग्रेस के लिए आप समर्पित भाव से कार्य करती रहीं। बाकी उनकी जीवन परिचय जो हम लेते हैं, हमारी प्रारंभिक जो होता है कि आप तक इनका पूरा जीवन परिचय और पारिवारिक पृष्ठभूमि आप तक पहुँच सके, तो ये मैं उनसे खुद जानना चाहूँगा कि बताएं अंबिका जी कि क्या है आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और कांग्रेस का काफ़ी लंबे समय से आप कांग्रेस में सेवा करते चली आ रही हैं। तो मेरा जन्म हुआ नरसिंहपुर जिले के एक अतरिया गांव में। उसके बाद मेरे दो चार भाई थे, एक भाई की डेथ हो गई। तीन भाई हैं, जो बड़े भैया गुरुजी के यहाँ राजेंद्र शास्त्री जी, और छोटा वाला भाई मेरा जबलपुर में है, मझले भैया सुबोधनंद जी हैं, और हमारे गुरुजी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी हैं। मेरी ससुराल तिंसरा गरेली के पास जो तिंसरा गांव है वहाँ है, और मेरे ससुर तीन भाई थे, जिसमें बड़े भैया थे मुंगाराम जी पाठक जो फ्रीडम फाइटर थे, और उनसे छोटे वाले मेरे ससुर थे और चाचा जी थे वहीं तिंसरा में रहते थे। तीनों की डेथ हो गई है और मेरे जेठ हैं, बड़े जेठ और मझले जेठ ज्योतिषाचारी हैं। मेरे पति जॉब करते थे, रिटायर हो गए हैं, मेरे देवर जॉब करते हैं, और मेरी चार नंदे हैं जो अपने शादी हो गई, उनके अपने घर परिवार की हो गई हैं वो। चलिए, नरसिंहपुर में सेवा भाव में काफ़ी नाम आपका रहा है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की दृष्टि से भी माना जाए तो पार्टियों के आप बड़े बड़े पद पर रही हैं, कौन कौन से पद के दायित्व आपने निर्वहन किए हैं नरसिंहपुर में? नरसिंहपुर में मुझे सबसे पहले दो विधानसभा का प्रभार दिया गया था 2008 में, गोटेगांव और नरसिंहपुर दोनों में जिता के ले गई थी। उसके बाद मुझे, मैं अनेक पदों पर रही हूँ। महिला कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, महिला कांग्रेस में उपाध्यक्ष रही, कौमी एकता में प्रदेश महामंत्री रही, जन शिकायत निवारण में महामंत्री रही। उसके बाद कार्यालय प्रभारी बनाया गया, मुझे कार्यालय प्रभारी रही, और अनेक पदों पे मुझे ऐसा काम दिया गया तो मैं बराबर अपनी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाई, और मुझे लोकसभा चुनाव में कार्यालय प्रभारी बनाया गया था, उससे मुझे दिल्ली से प्रमाण पत्र भी दिया गया था जब पचौरी जी अध्यक्ष थे उस समय, तो मुझे अच्छे कार्य के लिए प्रमाण पत्र दिया गया था। तो मैंने अनेक पदों पर काम किया और महिलाओं के लिए काम किया। गुरुजी ने मुझे हिंगला सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तो मैं 15 साल हिंगला सेना की प्रदेश अध्यक्ष रही। उसमें मैंने महिलाओं के जो महिला उत्पीड़न पे मैंने बहुत काम किया, कई घरों उजड़े हुए घर बसाए हैं मैंने, और यहाँ जब भी कोई महिलाओं के ऊपर कोई महिलाओं को दिक्कत होती थी या महिलाओं किसी तरह की परेशानी होती थी या महिला उत्पीड़न होता था नरसिंहपुर जिले में, तो उस समय में तुरंत यहाँ आके उनकी मदद करती थी। चलिए बात करते हैं वर्तमान के हालात की, तो वर्तमान में आप कहाँ पर हैं, और क्योंकि कहीं ना कहीं बात निकल कर सामने आ रही है कि आप जो आने वाली विधानसभा चुनाव में आपने कहीं ना कहीं दावेदारी रखी है, क्या कहेंगे? मैंने यहाँ जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार और युवाओं बेरोजगारी, युवाओं की किसानों पर जो किसान हत्या कर रहे हैं और किसान परेशान है, जैसे रेत उत्खनन हो रहा है, ये सारी चीजें नशा मुक्ति के लिए मैंने जब सोचा कि मैं क्या करूं, तो उस समय मुझे लगा कि मुझे कोई, यदि मैं वहां की जनप्रतिनिधि होती तो मैं और अच्छे से काम कर सकती थी, इसलिए मैंने यहां से आवेदन दिया है। महाराज श्री से मैंने आशीर्वाद लिया, गुरुजी से चर्चा की, गुरुजी ऐसा ऐसा है, मैं आवेदन दे रही हूँ वहाँ से, तो गुरुजी का आशीर्वाद मुझे मिला, तो मैंने यहाँ से आवेदन दिया है। और बाकी जो जिसको भी मैं जो जिसको टिकट मिलेगी वो उसके लिए काम करेंगे हम लोग, लेकिन मैंने आवेदन इसीलिए दिया है कि मैं महिलाओं और युवाओं की मदद कर सकूं, जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर सकूं। मेरा सेवा भाव को लेके ही मैंने आगे इस तरह, यानी मुझे कोई ये नहीं है कि मैं विधायक बन जाऊं और मैं राज करूं और मेरा कोई हाई फाई कुछ हूँ, मैं
जमीन से जुड़ के और जनता की सेवा करने के लिए मैंने ये कदम बढ़ाया, क्यों? क्योंकि मैं गुरु जी की शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने मुझे हिंगला सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उस समय भी मैंने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, बेसहाराओं के लिए बहुत काम किए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज मुझे अपने जिले की, जहाँ की मैं बेटी भी हूँ, जिस जिले की मैं बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ, तो मुझे यहाँ की लोगों की सेवा करने का एक अवसर मिले। इसलिए मैंने थोड़ा सा ये है कि अच्छे से मैं कर सकूँ सेवा, इसलिए चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से टिकट दी जाए। चूंकि 50 साल पहले सरला पाठक जी को यहाँ से टिकट मिली थी और यहाँ से 50 साल से किसी महिला को टिकट नहीं दी गई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे टिकट दी जाए और मैं यहाँ की महिलाओं की, किसानों की, बेरोजगारों की और सबकी मदद कर सकूं, और इससे मुझे आत्मसंतुष्टि भी होती है सेवा भाव से। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा पावर भी होगा तो मैं और अच्छे से काम कर सकूंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे टिकट दी जाए और यहाँ से अभी तक 50 साल से किसी महिला को नहीं मिली है। चलिए बात करते हैं, तो ये आपने जो बात रखी है कि 50 साल का काफी लंबा कार्यकाल है और महिलाओं को प्राथमिकता मिलना चाहिए और सभी उसमें मिल रही हैं प्राथमिकताएं, तो क्या लगता है जब आप समाज के बीच में गई हैं, क्योंकि आप यहाँ की बिटिया हैं, 4 लोगों से मिली होंगी, अपने परिवार के लोगों से मिली होंगी और भी सब जिन भी आपके शुभचिंतक उनसे आपकी मुलाकात हुई होगी, तो क्या नतीजा आपको सामने निकल के आ रहा है कि क्या हालात हैं वर्तमान में, यदि हम पार्टी की बात करते हैं उस माहौल की? यहाँ जैसे नर्मदा मैया का आंचल छलनी कर दिया है अवैध रेत उत्खनन से, यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, यहाँ के युवा नशे की ओर बेरोजगार हैं, नशे की ओर जा रहे हैं, इसमें गांजा, शराब और ऐसी जुआ, सट्टा, ये सारे अवैध काम चल रहे हैं, उन पे लगाम लगाई जा सके इसलिए, और ये सारी चीजें बीजेपी के गुंडों के द्वारा हो रही हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस पे लगाम लगाई जाए और हमारे शासन आएगा तो हम युवाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे और रेत उत्खनन जैसे कोई कार्य होने नहीं देंगे कभी भी, क्योंकि नर्मदा मैया हमारी पूज्य है और नर्मदा मैया के कारण बहुत कम यहाँ सूखा पड़ा है, ऐसा मेरे बुजुर्ग भी बताते हैं और मैं बचपन से यही कहानी सुनती आ रही हूँ कि नर्मदा मैया की बड़ी कृपा है और नर्मदा मैया के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो हम नर्मदा मैया और हम उनकी बेटियां, हम लोगों पे तो अत्याचार हो ही रहा है, हम लोग सुरक्षित नहीं है, कहीं 5 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है तो कहीं 5 साल से लेके 50 साल 80 साल की बुढ़िया तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक महिला को यहाँ से टिकट दी जाए तो कम से कम वो अपनी महिलाओं की पीड़ा समझ सके। चलिए आज हमारा 1 to 1 का एक कार्यक्रम था, समय का अभाव रहता है और इस समय के अभाव के चलते हुए इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हुए, आज हमारे बीच में नरसिंहपुर की बिटिया श्रीमती अंबिका पाठक जी थी और वो आपको अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ साथ सेवा भाव जो उनका है, किस सेवा भाव से वो कार्य करेंगे, उन्होंने आपको रूबरू कराया। 1 to 1 के इस कार्यक्रम में हम उनका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।